तो चलिए ये मज़ेदार चिकन 65 बनाने के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, और इसको ऐसे बड़े बड़े क्यूब्स में हमने काट लिया है। इस तरह से क्यूब्स में काट लेना है चिकन को। और हमने लिया है आधा टीस्पून चिली पाउडर, एक टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, और थोड़ा सा तंदूरी कलर लिया है हमने, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो ना ले। एक नींबू का रस लिया है हमने, एक टेबलस्पून चिली सॉस लिया है, एक टेबलस्पून सोया सॉस लिया है, 1/4 कप हमने ली है दही, दही लेना है, और हमने लिया है आधा टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और हमें चाहिए टोमेटो सॉस, ये टोमेटो सॉस है, ये एक टेबलस्पून लिया है हमने टोमेटो सॉस, और हमें चाहिए नमक, नमक स्वाद अनुसार, आधा टीस्पून बड़ी सौंफ का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून पेपर पाउडर। तो ये सब है फर्स्ट मैरिनेशन का इंग्रेडिएंट्स। हमें एक बार इसे पहले इससे मैरिनेट करके रखेंगे, फिर हम दूसरी मैरिनेशन देखेंगे। तो चलिए मैरिनेट करने के लिए तैयारी करते हैं। मैरिनेशन के लिए हमने एक ऐसा बोल लिया है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स एक एक करके डाल दें और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम चिकन डाल रहे हैं। चिकन डालने के बाद इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने मैरिनेट कर लिया है। अब इसको हमें ढककर फ्रिज में 1-1.5 घंटे के लिए मिनिमम हमें मैरिनेट करके रखना है और इसके बाद हम दूसरा मैरिनेट करेंगे। तो इसे ढककर फ्रिज में 1-1.5 घंटे के लिए मिनिमम मैरिनेट करने रख दे। तो चलिए दूसरे मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 2 टेबलस्पून मैदा लिया है, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 एग लिया है और उसको अच्छे से बीट कर लिया है हमने, और हमें चाहिए 1 टीस्पून हरी मिर्च एकदम बारीक कटे हुए, और 1 टीस्पून कड़ी पत्ता, इसको भी एकदम बारीक काट लेना है, और टेम्परिंग के लिए हमने थोड़ा सा मिर्ची लिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है। यह आपको जितना चाहिए आए आप उतना ले लें। अब हम सेकेंड मैरिनेशन की तरफ जाते हैं। तो देखिए चिकन को हमने 1.5 घंटे तक अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे एग, कॉर्नफ्लावर, मैदा और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा नमक कम लगा था तो नमक भी हम डाल रहे हैं। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। अब इसे हम ढक कर 1.5 घंटे तक इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो देखिए मैरिनेशन हो चुका है। अब हम डीप फ्राई करने के लिए तेल लेंगे और इसको मीडियम आंच पर गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम चिकन को एक एक करके हम तेल में डाल देंगे। एक एक करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है, तो ये चिपक जाएगा। और इसी तरह हम इसे फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में आपको साइड चेंज करते हुए, हिलाते हुए, इसको चलाते हुए फ्राई कर लेना है, क्रिस्पी कर लेना है। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी कर लिया है, एकदम बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो चुका है, पक चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और बाकी के चिकन भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो सारे चिकन हमने फ्राई करके ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद एक पैन गरम कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून हम तेल डाल रहे हैं। ये वही तेल है जिसमें हमने चिकन फ्राई कर लिया था। और जब ये तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल देंगे और 2 मिनट तक हमें इसे सॉटे कर लेना है। देखिए 2 मिनट तक हमने अच्छे से इसे सॉटे कर लिया है। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और चिकन को मिक्स करने के बाद चिकन को भी हमें 2 मिनट तक अच्छे से इसे सॉटे कर लेना है, इस तेल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमारा चिकन तैयार है। 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब गैस ऑफ करें और इसे डिश आउट करें और सर्व करें और मज़े ले इसके। बहुत ही बढ़िया चिकन रेसिपी है, बहुत ही आसान भी है बनाने में, सबको एकदम गारंटी पसंद भी आने वाला है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको इस रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।